What's up, Shah Sahib? Today we'll be listening to Nazariya and Nadir by Chanke. Nadir is his name, so it's like Nadir ka Nazariya, bhai. Once again, is here, I'm pretty sure, with very on the face baatein. I'm really excited for that. Let's see what he has to say. Without further ado, we want to jump straight into it. This is Big Scratch by Sex, and we are listening to Nazariya and Nadir by Chanke. Let's get it. या तो मैं या शहर ये जाहिल सारा मतलब हकीकत का बातिल बता रहा। मेरी माँ से दुश्मन तक को मीठा लगे खारा, जिसने कामयाबी पाली जो जीता लगे हारा। इन्हें खाई कोहे दूर लगे धूल मिट्टी, इन्हें नूर लगे माँ बाप मजहब पे मूत रहे ना मेहरम बच्चे धूप चके तवाइफ है। इन्हें हूर लगे जानी बीवी का रूप लगे, अल्लाह तक पहुंच इनकी पर सितारे पूज रहे। तभी दुनिया से कट के रहूं सबके तरीकों से बच के खुश मैं इस छोटे से घर में। ये पूछे किराए का या अपना निकम में, सब ये रहते सारे डर में लोग क्या कहेंगे इनका मजहब, ये मुझे कैसे समझेंगे। मिट्टी के मटके हसद अजाजील की समझ जो नहीं सकते, जो सजदे समझ नहीं सके फरिश्तों के जो दारू जिस्म इनका। ये बंदे मुझे क्या समझेंगे जो मतलब शैतान को भी समझ नहीं सक रहे और उसके क्लियर इशारों को समझ नहीं सक रहे बंदे भाई। मिट्टी के मटके रियली लाइक द फैक्ट कि भाई नीचे ट्रांसलेशन है, बिकॉज मतलब वो क्या भाई इनसे ऑब्वियसली इट सेज उर्दू रैप, दिस दैट रियल उर्दू रैप भाई। बहुत चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आ रही, सो आई एम रियली फॉलोइंग यू नो द ट्रांसलेशन जो भी नीचे चल रहा है भाई। रियली अप्रिशिएट इट। आई अंडरस्टैंड कि डीप लैंग्वेजेस मतलब जिन इतने एंशियंट लैंग्वेजेस जिनका रूट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, इनको हम ट्रांसलेट करके मॉडर्न लैंग्वेजेस में वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट, आता नहीं है। बट यू नो यू कैन यू नो बीट अराउंड द बुश एंड काइंड ऑफ गेट द आइडिया कि क्या चल रहा है। अजाजील की समझ जो नहीं सकते, जो सजदे समझ नहीं सके फरिश्तों के जो दारू जिस्म इनका। हिस्सों में आंखें भरे कुफर फरेबी किस्तों से, सबक ये ढूंढे झूठे किस्सों में, फायदा लूटे ये सच्चे रिश्तों से, हवस और लालच इनके जिस्मों में। शहर छोड़ दे ना दे मुझे मेरी छट्टी हिस, बोले ये बोले शहर की आबादी, कुफर दजल झूठ में रहने की आदि, और तुम्हें भूखा ना मर्दों वाली चांद में सूरज की आ। वेरी इंटरेस्टिंग टेक दैट ही हैज। इट्स लाइक औरतों में भूख और अना है मर्दों वाली, और चांद में सूरज की आग लगा दी। हिस्सो इज नॉट सेइंग कि वुमेन आर नॉट एज गुड एज मैन, और आई डोंट थिंक दिस इज व्हाट आई फील। आई डोंट थिंक इज सेइंग दैट। इट्स मोर लाइक दे हैव डिफरेंट रोल्स इन द सोसाइटी एंड इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी। द सन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी, द मून इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी। तो इट्स लाइक आप चांद को सूरज जैसे उसमें आग लगा के जलाने की कोशिश करोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक सेंस राइट। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। चांद या फिर औरतें जो है, अकॉर्डिंग टू चैन जो औरतें हैं, जो चांद है उस पर आप सूरज जैसे आग लगा रहे हो, या फिर वो मेल ईगो ड्राइव और वो एक यू नो हंगर और एग्रेशन इस चीज़ में डाल रहे हो, सो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू मेक सेंस एंड इट्स गोइंग टू रूइन द क्या बोलते हैं द फाइन बैलेंस ऑफ नेचर। That's what he says. भाई, this is a very interesting take. Let me know what you think about this, भाई. नीचे comments में। आग लगा दी बेटियां परवरिश में, ऐसी माँ की जो समझा नहीं सकी क्या कामयाबी। नजरे मर्दों की झुके ना जरा भी, कमाना जरूरी, भाड़ में गई शादी, मिलेगी आजादी तू कपड़े उतार। गैर मर्दों को दे शोहर का खुमार, बेटे बाप को भी घर गाड़ी का बुखार, दफा करे मान तू हैसियत सुधार, खा गया जमीर मर्दों का कुफार, जमीन मेरी लाश की तरह बदबूदार, सारे अस्पताल ये तिजारत। He's just tired of everything, भाई ये बंदा मतलब थक चुका है भाई चारों तरफ। According to him, everybody is just you know drowning and basking in sin, भाई he's fucking tired of this, भाई मेरे को भाई रहना नहीं है सब, मैं जा रहा हूँ यहाँ से भाई। गया जमीर मर्दों का कुफार, जमीन मेरी लाश की तरह बदबूदार, सारे अस्पताल ये तिजारत, दुकान कवानीनों कवायद की रिश्वत खुराक, चुप करवाता नहीं हिस्सा जमीर को चुप। चुप ये बंदा हूँ। I'm pretty sure he did it himself. Lyrics, music, mixing, mastering, editing probably also by Chanke, and direction and DOP by Aves bhai.
मजहब नहीं थोप रहा, दिस इज जस्ट माई परस्पेक्टिव, दैट इज व्हाट ही सेज इन द डिस्क्रिप्शन भाई. लेट्स गो भाई, ये बंदा इतनी इंटरेस्टिंग बातें करता है भाई गाने में. लेट्स गो भाई. ये तिजारत दुकान कवानीनों कवायद की रिश्वत खुरा चुप करवाता नहीं हिस्सा जमीर को, चाकों पे चाके झूठ पे छुरा खूब रहा हूं, लाखों के छाते पे मारूं मैं डाके, गानों में लाके सच अकल खोल रहा हूं, बातों पे बातें दिमागों पे ताले, लाशों के नारे मजहब इन पे थोप रहा हूं, जिसको जो करना है करे मरे, मेरी तरफ से मैं तो बस यहां बोल रहा हूं, क्या बंदूक रखी मैंने सर पे तेरे, या आ गया क्या मैं घर में तेरे, जो मैं बोल रहा हूँ सच्ची तो बोल रहा हूँ, कि तेरे दिल को हवस भर भर के, तेरे दिमाग को गंदा करके भरते, जब या ना मायूसी है निसी चर से तेरे, तुझे जो जिंदा दिखाई दे मर के रहते पसंदीदा, कीड़े गटर के तेरे लिखारी कलाकारी, जो सारे रहते थे मेरी और तेरी तरह, ये स्कूल से रोज ये पढ़ बढ़ के आते फिर खाते रोटी दाल अपनी माँ से, मशहूर सा कोई भी दूर है पर उठा ले थोड़ा सा तंग वो घर के हालात से, टूटे हुए तारों के माजी में बुरे हालातों से पैदा होती कला, ये हालात अपने रैप के जरिए बताते, और मर्द हम सारे एक ही तरह के लड़कों को इनकी रैप में दिखे अपनी जिंदगी, सुनते इनको दिन रात, ये व्यूज पे व्यूज मशहूर इनके गाने, रेवेन्यू रैपर्स में लालच जगा दे, मशहूरी तहजीब मजहब बुलवा दे, देखे तो ये देसी पर कालों को छापे, जब इन मुजरिमों पे करूं हमला मैं, तुझे पता भी है कि तू तब तय, क्योंकि तू हारे हुए लड़कों निकम्मों को हराम खोरों को ब्रांड समझता है, मौसीकी में छुपे तू अल्फाजों को सुन तेरा ये मतलब भाई, ये तो फैक्ट दैट ही डज नॉट, मतलब म्यूजिक इज नॉट इज यू नो primary source of income at this point, he's got like multiple businesses whatever, I'm not sure, मतलब the way ये बंदा जैसे मुंहफट तरीके से चीज़ें बोलता है, it's pretty clear कि he doesn't give a single fuck about the industry, उसको जो लगता है he's just going to say that, and because of that ये बंदा ऐसी चीज़ें बोलता है गाने में भाई, अगर इसके बारे में डिबेट शुरू हो जाए ना भाई, लोग पागल हो जाएंगे भाई, मैं सुन रहा हूँ, मैं खुद से अपने आप ही डिबेट कर रहा हूँ सर के अंदर भाई, एंड मैं खुद ही पागल हो रहा हूँ बैठ के. शूर इनके गाने, रेवेन्यू रैपर्स में लालच जगा दे, मशहूरी तहजीब मजहब बुलवा दे, देखे तो ये देसी पर कालों को छापे, जब इन मुजरिमों पे करूं हमला मैं, तुझे पता भी है कि तू तब तय, क्योंकि तू हारे हुए लड़कों निकम्मों को हराम खोरों को ब्रांड समझता है, मौसीकी में छुपे तू अल्फाजों को सुन तेरा पसंदीदा, क्या वक्त है फिर तुझे तेरा ये आइडल भी सुअर लगेगा, जो हक है वो ये निगल्स है, पखाना ये फैंस को खिलाते दिखाते, मॉडल नंगी आदि फिर हवस वालों के व्यूज पे तिरा के कमा के गंद कहते, कामयाबी अगर कोई सच झूठों को चका दे, चिल्लाते टुपाक ने सब ये किया नहीं बड़ा, तू हम सबको आया है सिखाने, छोड़ दे रे मुसलमान तू इतना ही मुनाफिक है, हराम है मौसीकी हराम, ये हलाल वो हलाल ये हराम, वो एक सफा भी तर्जुमा का पढ़ाने चलाए जबान, वो गूगल से छापे हदीसें दे लेक्चर इनके बस काम दो, सुभाना रब्बी लाला का मतलब तक नहीं पता इस अवाम को, ठीक है शोभा हराम मेरा समझ लो फिर, मोहम्मद अली मैं ये मौसीकी रैप छीन लूंगा इटली से, मुनाफिकत से मोहब्बत करी मैंने इल्यूमिनाटियां फितना मैं, कभी कभी मुझसे तो दज्जाल मिलने आता है, सवाल मेरा तुझसे अगर मैं मुनाफिक तो तू क्या इधर अपनी माँ देने आया है, चल तेरे मुताबिक मान लिया कलाकारी में होती कोई हद नहीं, फिर कुछ भाई यार ये खून गर्म हो जाता है भाई सुन के, इसके गाने सुन के भाई खून गर्म हो जाता अंदर से भाई, ना मैं कभी कभी मुझसे तो दज्जाल मिलने आता है, सवाल मेरा तुझसे अगर मैं मुनाफिक तो तू क्या इधर अपनी माँ देने आया है, चल तेरे मुताबिक मान लिया कलाकारी में होती कोई हद नहीं, फिर कुत्ते की नस्ल भौंक के क्यों तू के रैप्स में लाते, मजहब नहीं सब नहीं रिलेट कर पा रहे, ये तेरे रैप गाने से जैसे मैं मर रहा हूँ, सबको सुनाने में करे रिलेट नहीं तो मैं क्या करूँ भाई, अगर इनके दिलों में रब नहीं, जबान मेरी गुस्से में चले तो कभी कभार मैं भी कर लेता हूँ बदतमीजी, फिर मौत की भी परवाह नहीं होती, जैसे मैं कोई बहादुर सा फलस्तीनी, बादल का कातिल मैं झूठों में शामिल नहीं, कुर्बानी कर दी इस जिंदगी की, दुआ करना नादिर मशहूर ना हो जाए तबाही कर देगा ये इंडस्ट्री की, बनाता रहूंगा शाहकार फिर गधों को डिस करूंगा बार बार, ताकि जब मैं रब के लौटूंगा दरबार डिस्कोग्राफी से भी करूंगा मारधार, ये हार जीत वाला सीन नहीं है, समझेंगे कैसे चढ़ी इनकी है निसी करेंगे ये गायब करियर, दबाव उसका जिसने खराब कर दी इनकी लेगेसी, जब मैं बोलूं तो चरसी दिमाग में कौन सा नाम आ रहा है, जब नेपोटिज्म भी बरखूले मुंह लगता है जैसे कोई बच्चा गा रहा है, करूं मशहूर was he talking about again nepotism Bieber Asim Azhar or I remember ye kuch to reference tha Justin Bieber used to call was it Shamoon or Asim Azhar I don't remember but do jersey ki baat hai again I'm pretty sure he's talking about you know
अंजुमन यूनिस फकिंग हेल भाई लेट्स गो। आई इसके पहले कुछ तो बढ़िया पॉइंट ही वाज टॉकिंग अबाउट सम शिट यहाँ पे ही विल डिस्ट्रॉय द इंडस्ट्री। एक सेकेंड ही वाज आल्सो सेइंग कि भाई द फैक्ट दैट वो यहाँ पे बंदा रह के गाने ऐसे लिखना चाहता है ताकि इवन व्हेन इज यू नो एट द डोर ऑफ गॉड और डे ऑफ जजमेंट या जो बोलते हैं वहाँ पे जब वो रहेगा ना ही इज़ नॉट अशेम्ड ऑफ व्हाट ही हैज मेड यहाँ पे कि ही इज़ ओनली सेड थिंग्स दैट ही बिलीव्स इन और बिना डरे हुए उन चीज़ों को बोला है यहाँ पे। एंड ऑल्सो इज़ लाइक कोई यहाँ पे तेरे गाने से रिलेट नहीं कर पा रहा है और ये तो अपने गाने में मज़हब को क्यों ला रहा है। इट्स लाइक भाई अगेन इट्स द सेम थिंग कि इट इज़ अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक जितना राइट चेन को है कि वो सबको बोले कि भाई तुम किसी से काम नहीं हो रहा तुम सब गंदगी फैला रहे हो यहाँ सीन में एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन। जितना राइट चेन को ये बोलने का है उतना ही राइट दूसरे आर्टिस्ट को है कि वो चेन की बातें सुने और नहीं सुन के वो उनको जो करना है वो करे। एट द सेम टाइम इफ यू आप इस लॉजिक से अगर दूसरे आर्टिस्ट को बोल रहे हो कि उनको जो करना है वो करे आप उस लॉजिक से चेन को भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते क्योंकि तू यहाँ पे अपना रिलीजन थोप रहा है या तू यहाँ पे अपने वैल्यूज और बिलीव्स थोप रहा है। ही इज़ ऑल्सो यू नो एक्सरसाइजिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ओनली सेइंग थिंग्स दैट ही बिलीव्स इन फ्रॉम द डीपेस्ट ऑफ हिज कोर। भाई शेड भाई और ये बंदा तो फैक्ट दैट ये डरता ही नहीं बिल्कुल नहीं डरता भाई बोल देता है साफ साफ जो भी है भाई इतना मूव फॉर आर्टिस्ट अपने पूरे सीन में कोई नहीं है भाई कोई नहीं है। कातिल में झूठों में शामिल ले कुर्बानी कर दी जिंदगी की दुआ करना नादिर मशहूर ना हो जाए तबाही कर देगा ये इंडस्ट्री की। बनाता रहूंगा शाहकार फिर गधों को डिस करूंगा बार बार ताकि जब मैं रब के लौटूंगा दरबार डिस्कोग्राफी से भी करूंगा मार धार ये हार जीत वाला सीन नहीं है समझेंगे कैसे चढ़ी इनकी है नहीं सी करेंगे ये गायब करियर दबा उसका जिसने खराब कर दी इनकी लेगेसी। जब मैं बोलूं तो चरसी दिमाग में कौन सा नाम आ रहा है जब नेपोटिज्म भी बरखूले मुंह लगता है जैसे कोई बच्चा गा रहा है। करो मशहूर मेरे दुश्मनों को मेरा जमीर खुद भी यही चाह रहा है देख कैसे गंद दिखाए बगैर फीट पे तेरी मेरा कमाल काम आ रहा है। ये सिंगर्स और वानाबी रैपर्स तो पहला कदम मेरी पहली ये सीढ़ी है आगे मॉडल्स और एक्टर्स पॉलिटिशियंस भूषण कुमार टी सीरीज है इंडस्ट्री ये पूरी हकीकत बदल के सचा। भूषण कुमार और टी सीरीज भूषण कुमार टी सीरीज है इंडस्ट्री ये पूरी हकीकत बदल के सचा के गुनाहों को जीती है डिस करने की वजह मेरी सीधी है क्योंकि इंसानों के काम इब्लीसियां देखें आशिकी बच्चे मूवीज में शादी से पहले बने जोड़े फिर दुखी गाने डिप्रेशन से भरे बना के टूटे दिलों को ये तोड़े। कुछ भी नहीं कर सकता इनका तू नादिर जितना भी मचा ले तू रो ले तो मैं कुछ करना भी नहीं चाहता मैं तो मजा लूं बस इश्क हकीकी का हो के लाइक मेरे को भाई दिल से ये लगा है तो मैं बोल रहा हूँ भाई बाकी इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम ब्रो आई एम गोना से व्हाट आई जस्ट वांट टू से भाई। एट द सेम टाइम एक यहाँ पे एक वो पॉइंट था ना कि आपके गानों पे कोई वाइब नहीं कर पा रहा है रिलेट नहीं कर पा रहा है। इट्स लाइक आई रिमेंबर टू डायरेक्टर्स टॉकिंग अबाउट दिस दो बहुत यू नो अलग नजरिए देयर वाज दिस वन डायरेक्टर इज लाइक कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म बनाता था। It's like you have koi interviewer tha ya thi who was asking him that very famous director ki agar aapko naam pata hai mere ko niche batana to the interviewer was asking this director ki aap simple aise basic commercial you know movies kyu banate ho when in the past you have also made like really beautiful concept films or art films to he was like yahan pe apna majority jo population hai they like work really hard sara din bahar mehnat karte they do labor work एंड उस हिसाब से पैसा कुछ कमा नहीं पाते बिकॉज दैट्स हाउ द सिस्टम इज दे गेट बैक होम देर हेला टायर्ड और वहाँ पे मूवी में उनको सच्चाई नहीं देखना है दे टायर्ड ऑफ रियल लाइफ दे वॉन्ट टू एस्केप दैट तो इसलिए हम मूवीज ऐसे बनाते हैं जहाँ पे वो टायर्ड बंदा या बंदी वापस जब आए घर पे काम करके मेहनत करके पसीना खून पसीना एक करके थोड़े पैसे बना के उसको वापस टीवी पे अपना लाइफ और रियलिटी एंड द सैडनेस ऑफ रियलिटी नहीं देखना है उसको एस्केप करना है इस चीज़ से। दैट्स वाई दे मेक फिल्म्स जहाँ पे यू नो एक्टर्स आर डूइंग क्रेजी शेट एक फैंटेसी लाइफ दिखाया जा रहा है एक ये है। एंड एट द सेम टाइम सत्यजीत रे ही वॉज आस्क्ड की अबाउट द फिल्म्स एंड मूवीज द टाइप्स ऑफ फिल्म्स दैट ही मेक्स एंड द पॉपुलैरिटी दैट ही हैज इन द कंट्री एंड हाउ ही इज मोर रिस्पेक्टेड अब्रॉड मोर देन ही इज रिस्पेक्टेड इन हिज ओन कंट्री एंड वाई इज दिस सर्टेन मैन ही वॉज लाइक क्लियरली उसने बोला था द ऑडियंस दैट वी हैव ओवर हियर इज अ वेरी बैकवर्ड ऑडियंस लाइक समझ रहे हो एंड दे वुड नेवर अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट आई एम मेकिंग। सो आई जस्ट फील लाइक वही सेम चीज़ है कि एक एटमोसफियर ऐसा है यहाँ पे लोग ऐसे हैं जैसा सोसाइटी है एंड दैट इज हाउ इट इज राइट नाउ ठीक है। एंड
सेम एक जिसको कोट ऑन कोट बैकवर्ड सोसाइटी कहा जा रहा है उस चीज़ को एक डायरेक्टर, दोनों बहुत फेमस डायरेक्टर्स, एक डायरेक्टर ने ये बोला है कि दे आर अ वेरी बैकवर्ड सोसाइटी एंड दे वुड नॉट अंडरस्टैंड मैं किस तरीके के कॉन्सेप्ट आर्ट फिल्म्स बना रहा हूँ. ऑन दिस अदर हैंड दिस दिस अदर कमर्शियल डायरेक्टर हु कैन ऑल्सो मेक आर्ट फिल्म्स बट ही इज़ लाइक इट्स अ कोट ऑन कोट बैकवर्ड ऑडियंस एंड दे आर दे कॉन्ट गिव अ सिंगल फॉक अबाउट यू नो द रियलिटी ऑफ लाइफ बिकॉज वो हर दिन हर सेकेंड उसी रियलिटी को जी रहे एंड उसलिए दे वॉन्ट टू एस्केप दैट आई वॉन्ट टू हेल्प देम विद दैट. सो आई थिंक अबाउट द वो सेम चीज़ यहाँ म्यूजिक में भी आके खड़ा होता है कि जब कोई इंसान एक टायर्ड टीनेजर या जो भी है वेन दे आर ट्राइंग टू यू नो टायर्ड टीनेजर हो गया समवन यू नो गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस समबडी इज़ ग्रोइंग अप वट एवर गोइंग थ्रू देयर ओन फेयर शेयर ऑफ स्ट्रगल जब वो हो रहा है उनके साथ दे डू नॉट वॉन्ट टू यू नो लिसन टू समथिंग दैट चैन इज सेइंग विच इज़ प्रॉब्ली द रियलिटी. ठीक है प्रॉब्ली द रियलिटी एंड प्रॉब्ली व्हाट ही बिलीव्स इन उसके पीछे कुछ यू नो ठोस वैल्यूज है बिलीव्स है बट दैट पर्सन इज यू नो इज टायर्ड ऑफ दैट शेट और उसको वो चीज़ें नहीं सुननी एंड ही डजेंट वॉन्ट टू इट्स लाइक वेन यूर जब आप अपने एकदम बॉटम मोस्ट में हो एकदम थक चुके हो एंड फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल दूँ किसी ने आपको मना किया था कि आप ये काम मत करना. ठीक है दारू मत पीना फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बोला था कि आप दारू मत पीना बट देन यू वेंट यू आर रियली डाउन डिप्रेस व्हाटएवर सैड यू वर लाइक फक इट आज मेरे को पीना है मैं खत्म हो जाऊँगा एंड यू ड्रैंक हेल लॉट फिर आपको उल्टियाँ आ रही है आप उल्टियाँ मार रहे हो आप खत्म हो. ठीक है वहाँ पे अगर वो बंदा आपके जब वेन यूर फीलिंग्स एक वो बंदा आके आपके कान के पास में बोले मैंने तेरे को बोला था ना नहीं पीने के लिए तो क्यों पिया दिस वॉज बाउंड टू हैपन टू यू नो दैट इज नॉट अ टाइम वेन यू वॉन्ट टू लिसन टू दैट शिट यू वॉन्ट टू लिसन टू कम्फर्ट. इन द सेम वे वेन यूर ऑलरेडी यू नो फक्ड अप इन लाइफ यू डू नॉट वॉन्ट टू लिसन टू द रियलिटीज ऑफ कोट एंड कोट रियलिटीज ऑफ लाइफ फॉर एग्जाम्पल दो चेन अकॉर्डिंग टू चेन जो चेन बोल रहे हैं अपने गाने में so a person like that was like down depressed fucked up and all in his head he wants to listen to something that you know either helps him escape or he can resonate or relate to that shit so it's wahi pe I'm not saying koi sahi ya galat hai it's that disparity happens right there wahan pe it's at end of the day it's the call of the audience ek hai audience ko chahiye ye ऑडियंस टायर्ड है आप उसको बैकवर्ड कह लो आप उसको टायर्ड ऑडियंस कह लो आप उसको बोल दो कि एक ऐसा ऑडियंस है जो मतलब सोसाइटी से तंग आ चुका है या चुकी है एंड दे आर जस्ट डन विद ऑल दिस शिट दिस इज व्हाट दे वांट एंटरटेनमेंट दे वांट एंजॉयमेंट. तो एक तरफ एक आर्टिस्ट है जो दे आर फीडिंग देम विद दैट कि यार तेरे को ये चाहिए तेरे को ये सुनना है तेरे को इससे मजे आ रहे ये ले टेक दिस कमर्शियल ट्रैक हैव फन लिव योर लाइफ ड्रिंक और डू व्हाटएवर बिकॉज नेक्स्ट डे यू हैव टू वेक अप एंड गो टू वर्क बैक इन दैट सेम करप्ट सोसाइटी अगेन. दूसरी तरफ देयर इज एन आर्टिस्ट लाइक चैन एंड यू नो लाइकवाइज और जैसे जो ऐसे आर्टिस्ट है वो आर टॉकिंग अबाउट कॉन्शियस थिंग्स वो ट्राइंग टू टेल देम कि ये सबसे बाहर निकल एंड ऐसे देख चीज़ों को यू नो लुक एट द रियलिटी एंड ब्रेक फ्री फ्रॉम इट एंड यू नो कुछ वैल्यूज है चीज़ें हैं जिसको अगर आप अडियर करके चलोगे थिंग्स आर गोइंग टू बी इन द लॉन्गर रन इवन दो इट्स हार्ड टू अडियर टू आगे जाके आपको ईजियर होगा लाइफ जीने में. सो इट्स लाइक घूम फिर के बात हुई है कि इट कम्स डाउन टू द ऑडियंस मेरे को ये सुनना है मेरे को ये नहीं सुनना है एंड वन इज ईजियर टू कंज्यूम वन इज हार्डर टू कंज्यूम एंड यहाँ पे यू नो आर्टिस्ट के बीच में दिक्कतें आ जाती है. ये आर्टिस्ट उसको बोल रहा है तू ये क्यों कर रहा है तू मेरे जैसी बातें क्यों नहीं कर रहा है वहाँ पे वो आर्टिस्ट बोल रहा है कि तू मेरे को क्यों फिंगर्स पॉइंट कर रहा है ऑडियंस जो चाहती है मैं वो करके दे रहा हूँ तभी तो मेरे पे व्यूज आ रहे हैं. सो आई जस्ट फील लाइक दिस इज एन वेरी ऑन गोइंग सर्कल ऑन सर्कल डिबेट जिसका कोई एंड नहीं अंटिल अनलेस ऑल द आर्टिस्ट सिट टुगेदर एंड गेट टू यू नो कंक्लूजन एक जगह बिकॉज गानों के थ्रू बात करके हजारों सालों से अगर बीफ कर लो इट्स नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर बिकॉज दिस इज हाउ यू नो दिस इज जस्ट हाउ इट इज बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब जब चैन ऐसे गाने निकालता है भाई जस्ट फील लाइक वेरी रेयरली इट्स लाइक फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम जब मैं वीडियोज बनाऊँ वेरी रेयरली ऐसे मैं अपने व्यूज लेके या अपने दिमाग के अंदर जो डिबेट्स आते हैं या जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं अपनी बातों के साथ वो आई वेरी रेयरली सिट विद दैट एंड टॉक अबाउट दोज थिंग्स. 18 मिनट का वीडियो बन गया देखो एंड आर्टिस्ट लाइक चैन व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट मूव फॉर तरीके से व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स सो क्रिटिकल एंड थिंग्स सो व्हाट कैन आई से क्या बोलते हैं उस वर्ड को मतलब सो सेंसिटिव ऐसी चीज़ों के बारे में जब चैन जैसे आर्टिस्ट बात करते हैं दैट्स यू नो दैट इज़ व्हेन इट मेक्स यू थिंक कि भाई क्या सच है क्या नहीं एंड what is right what is wrong how should things be done are there even any rules of how things should be done ye sare questions aate hain tracks like these they you know make you think proper conscious music hai bhai that's why bhai it doesn't matter if I relate if I you know resonate with what he is saying it just makes me think and bhai I really really appreciate that
बट दैट्स अबाउट इट भाई. स्पेशली वो सन मून मैन एंड वुमेन वाला जो रेफरेंस था, आई रियली वॉन्ट टू नो अबाउट यू गाइस थिंक अबाउट इट टीचर इन द कॉमेंट्स, जस्ट लेट मी नो अबाउट दैट बिलो. एंड आई रियली वॉन्ट टू सी वॉट योर ओपिनियन सन. दैट्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच. लव दिस फर्स्ट टाइम शो बाय बिग स्क्रैच एंड आई एम आउट. Myself to Kaide. They were funny, but good I've ever fight. I'm suffocating, did it been on my corner screening. And I hate to say it, this is all on me. Cause you did your best, put your heart on me. Baby, please don't be hard on me.